हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपली लजीज। आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ रागी डोसा की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। रागी, जिसके बारे में आप जानते होंगे कि कितनी ज़्यादा हेल्दी होती है, और ये डायबिटीज़ में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है, और ये वेट लॉस में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। तो आप इसका ब्रेकफास्ट बनाकर आराम से इंजॉय कर सकते हैं। आप इसकी रोटी भी बना सकते हैं और आप इसका डोसा भी बना सकते हैं, और ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी डोसा बनकर तैयार होता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक कप रागी को, आधा कप उड़द दाल, और ये एक छोटा चम्मच मेथी के जो सीड्स होते हैं उन्हें हमने रात भर भिगो के रखा हुआ था, और अब हम इसका बैटर तैयार कर लेंगे। हम इसे मिक्सर में पीस लेंगे, इसी तरह से हमें ये पीस लेना है रात भर भीगने के बाद में। हमने इसको अच्छे से पीस लिया है, आप देख सकते हैं कि पीसा हुआ है, और अब आप चाहें तो ऐसे इसका डोसा बना सकते हैं, और अब आप चाहें तो इसे भी रात भर रख सकते हैं। जैसे भी आप चाहें, कभी भी आप इसका डोसा बना सकते हैं। तो मैं इसे एक घंटे के लिए रख दूँगी, आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं। बैटर बनने के बाद आप कभी भी इसका डोसा बना सकते हैं, और अब आप देख सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड करें, और डोसे के बैटर के अकॉर्डिंग हमें लेना है पानी। अभी ये थोड़ा सा गाढ़ा है, तो हम थोड़ा सा पतला करने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी ही चाहिए हमें, बिल्कुल यही वाली कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। और अब ये बैटर डोसे के लिए बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे मैंने कास्ट आयरन तवे का यूज़ किया है, आप चाहें तो नॉनस्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तवे पे हमें तेल लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, इस तरह से हमने इसे फैला देना है बिल्कुल पतला, बहुत ज़्यादा पतला भी ना करें वरना ये टूट जाएगा। और अब इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और धीरे धीरे इसे हमें मीडियम फ्लेम पे रखना है, और ये पक जाएगा। तो ये अपने आप ही छूटने लगा है। नॉनस्टिक पे आपको शायद थोड़ा तेल लगाना पड़े, या नॉनस्टिक पे भी आप बिना तेल लगाए भी बना सकते हैं। तो आप देखिए, ये बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार हो गया है, और बहुत जल्दी बन गया है। तो इसी तरह से हम दूसरा डोसा भी तैयार कर लेंगे। बस इसी तरह से जल्दी जल्दी फैलाना है। और अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, ये मैंने एक चम्मच तेल डाला है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत ही नहीं होती है क्योंकि बिल्कुल चिपकता नहीं है। और अब आप देख सकते हैं अपने आप ही छुट जाता है। तो इस वाले डोसे में हम फिल करेंगे कुछ आलू, अगर आपको इस तरह से खाना पसंद तो आप इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं, और ये भी सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इसी तरह से हम ढेर सारे डोसे बनाकर तैयार करेंगे, एकदम क्रिस्पी बनता है, रागी खुद में ही बहुत क्रिस्पी होती है। तो ये डोसे तैयार हैं, और इसे सर्व करें ग्रीन चटनी के साथ। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।